गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुटैप टीचिंग परीक्षा पे। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। घर से बाहर नहीं निकलना है, बस कुछ दिनों की बात है, तब तक आप रिकॉर्डेड वीडियोज देखते रहें और इस टाइम का बहुत अच्छे से उपयोग करें अपनी पढ़ाई में। बस पढ़ते रहें, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी, पेपर आएगा केवीएस का या सीटेट का, अगर जो डेट अगर उसी को पेपर हो जाता है तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर इस समय का सही उपयोग कर लेंगे। तो आज मैं आप लोगों को मिक्स क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जिसमें परसेंटेज, एसआईसीआई और प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस लूंगा और ये देखूंगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके ये क्वेश्चंस केवीएस और सीटेट के एग्जाम में काम आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में भाई जो बाहर नहीं जा सकते, और कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी खुशखबरी लेके आया हूं, जो कि मैं अभी बताने वाला हूं, तो तैयार हो जाइए इस खुशखबरी के लिए। 2 मिनट लूंगा आपकी बस, उसके बाद हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि घर बैठकर तैयारी करें, क्योंकि बाहर जाना बहुत मुश्किल है। कोरोना छोड़ता है तो पुलिस पकड़ लेती है, पुलिस छोड़ती है तो कोरोना पकड़ लेता है। आजकल पुलिस भी बहुत खतरनाक हो गई है, मारती पहले और पूछती बाद में कि कहाँ जा रहे थे, ऐसा ही है कि नहीं है? बिल्कुल। तो आप लोग न्यूज में देख ही रहे होंगे लगातार कि पुलिस और कोरोना का, दोनों का खौफ लगातार बना हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये दूर हो जाएगा। तो 40% डिस्काउंट एडुटेप टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए लेकर आया है, और ये 40% डिस्काउंट आपको सभी कोर्सेज पे मिलेगा, चाहे वो कोर्स सीटेट का हो, केवीएस का हो या DSSSB का हो। ये 40% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना पड़ेगा, SALE40। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉल कर सकते हैं 8146207241 पर, या मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर, आपकी क्वेरी को रिजोल्व किया जाएगा। अब जो डिस्काउंट है वो 26 मार्च से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च तक ये चलेगा, तो जल्दी से आप इस डिस्काउंट का लाभ उठाइए और अपनी तैयारी को एक बूस्ट अप दीजिए। अब 1 मिनट और मैं आप लोगों की लूंगा, ये मैं आप लोगों को डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू बचेगी आपके कोर्स की वो बताने के लिए ये टाइम मैं आपका ले रहा हूं। सीटेट पैडागोजी कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी फुल कंटेंट, ठीक है, हिंदी पैडागोजी, इंग्लिश पैडागोजी, पैडागोजी ऑफ ईवीएस, मैथ साइंस एंड सोशल साइंस, और सोल्ड क्वेश्चन मिलेंगे 2011 से 2019 तक। अगर आप सीटेट पेपर वन की पैडागोजी परचेज करते हैं ऑल सब्जेक्ट की, तो आपको 2000 का होगा, पेपर टू का भी 2000 का, लेकिन अगर आप दोनों की पैडागोजी परचेज करते हैं, सब्जेक्ट की पैडागोजी और CDP, तो आपको 2399 का ही पड़ेगा। ओनली चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी लेते हैं तो आपको 999 का पड़ेगा, लेकिन इन कोर्सेज पे आपको 40% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 40% डिस्काउंट आपको फुल कोर्स पे मिलेगा। अगर सीटेट पेपर वन का पूरा कोर्स खरीद रहे हैं, नोट पैडागोजी कंटेंट प्लस पैडागोजी, सीटेट पेपर टू का अगर आप फुल कोर्स खरीद रहे हैं तब आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे सीटेट कोर्स की अगर बात करें तो कंटेंट प्लस पैडागोजी, जिसमें आपको 1000 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा, डाउट डिस्कशन मिलेगा, सोल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे 2011 से 2019 तक, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। अब आप देख रहे हो पेपर वन का 3000 प्राइस है, पेपर टू का भी 3000 है, और कॉमन की बात करें तो 4000 है, 1 रुपया कम है, लेकिन मैं उसे इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर कोई कोर्स आपका 3000 रुपीज का है और इस पे आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है, तो जल्दी से दिमाग लगाइए कि डिस्काउंट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो 3000 का 40% होता है 1200, मतलब 1200 आपको कम पे करना पड़ेगा, 1800 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। तो 1800 में आप सीटेट पेपर वन का या सीटेट पेपर टू का कोर्स ले सकते हैं। अगर दोनों कोर्स परचेज करने, जो कि अभी तक 4000 के थे, इस पे आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा, 4000 का 40% 1600 होता है, तो अब दोनों पेपर आपको 2400 में मिल जाएंगे। तो बहुत कम प्राइस हम लोगों ने कर दिए हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि इस बुरे वक्त में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई करें, ठीक है, तो ये जो बुरे वक्त को अच्छा वक्त बनाए अपने लिए, ठीक है। चलिए अगर मैं अलग कोर्सेज की बात करूं, जो कि अदर कोर्सेज है, केवीएस DSSSB कोर्सेज की बात करें, तो आप देख सकते हैं 2000 प्लस वीडियोस है, क्योंकि ये सीटेट से हाई लेवल पेपर है, डाउट डिस्कशन है, प्रीवियस ईयर पेपर है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, DSSSB PRT KVS PRT फुल कोर्स है, ठीक है, जो कि KVS PRT और कॉम्बो KVS PRT के प्राइस आप लोगों को दिए हैं। अगर कोई कोर्स आपका 4500 का है और इस पे आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है, तो जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि 4500 का 40% कितना होता है। नहीं आया
1800 होता है, ये मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप लोग नहीं निकाल पा रहे। तो अब जो कोर्स है, जो 4500 का कोर्स है, वो आपको 2700 का मिलेगा। और अगर कोई कोर्स 5000 का है, तो 5000 का 40% 2000 होता है, तो ये कोर्स आपको 3000 का परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं किसी सब्जेक्ट की बात करूं, अगर कोई सब्जेक्ट का आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो कोई भी एक सब्जेक्ट 1000, कोई भी दो सब्जेक्ट 1500 और टीचिंग एप्टीट्यूड 1000। वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, जिसमें आपको टाइमली अपडेटेशन मिलती रहती है, पीडीएफ मिलती रहती है, मतलब बहुत बेनिफिट आपको होने वाला है। और टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा एडुटैप सीटेट। अब स्टार्ट करते हैं। मैं लगभग आप लोगों की 5 मिनट लिया हूं, लेकिन इस 5 मिनट के बदले मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाने वाला हूं। ये 5 मिनट लेना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स मेरे से पूछे जाते हैं। किसके रिगार्डिंग? कोर्स के रिगार्डिंग। ये कितने का है? ये नहीं हो रहा है, मैं प्राइस कभी बताता नहीं था, लेकिन अभी मुझे इंक्लूड करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे फोन पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है मेरा, कि ये सारी चीजें क्वेरी सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मुझे कॉल कर देते हैं काफी स्टूडेंट्स ना। तो द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फर्स्ट डिक्रीज बाय 20% एंड देन इंक्रीज बाय 30% इफ द रिजल्टिंग प्राइस इज रूपी 416। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, हिंदी में भी पढ़ लीजिए, किसी वस्तु की कीमत पहले 20% घटा दी जाती है और पुनः 30% बढ़ा दी जाती है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 416 रुपए है, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य। इसके दो तरीके हो सकते हैं, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले मेथड वन की बात करते हैं, सिंपल मेथड। मान लीजिए उसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो 100 था, आपने अपनी तरफ से ये एज्यूम कर लेना है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया हुआ है कि 100 से लेके चलते हैं। सबसे पहले इसका जो प्राइस है वो 20% डिक्रीज कर दिया गया, 100 का 20% 20 ही होता है, और 20 का डिक्रीमेंट लगा तो अब ये रह गया कितने का, 80 का। इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल सही। अब इसे 30% इंक्रीज कर दिया गया, कितना इंक्रीज कर दिया गया, 30%। किसका 30%? 80 का। अब 80 का 30% होता है 24। भाई देखो, ये तो आप निकाल सकते हो ना, डायरेक्ट 30 मत ऐड करना, 80 का 30% कितना होता है 24। अगर 24 इंक्रीज हो गया, तो अब आप मुझे बताइए कितना हो गया, कितने का हो गया, ये 104 का। ये इसकी इनिशियल वैल्यू थी, यहां पे आई लिख देता हूं मैं, और ये फाइनल वैल्यू है। 104 क्या है? फाइनल वैल्यू। जो फाइनल वैल्यू है 104, वो मेरे अकॉर्डिंग है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 416 है। बात समझ में आई? तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 बार ये पूरा पूरा कट हो रहा है, 1 पार्ट की वैल्यू 4 है, तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि इनिशियली पूछा है तो इनिशियली हमने 100 ही माना था, तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 400। ये तो हुआ एक तरीका, इस क्वेश्चन को लगभग 4-5 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। दूसरे तरीके की अगर मैं बात करूं, फ्रैक्शन मेथड, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि पहले 20% का डिक्रीमेंट लगा और फिर 30% का इंक्रीमेंट लगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। 5 पे 1 का डिक्रीमेंट लगा तो वैल्यू रह गई 4/5 और 10 पे 3 का इंक्रीमेंट लगा तो वैल्यू हो गई हमारी 13/10। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू हो गई 52/50। आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। मुझे पता है डिनोमिनेटर में हमेशा इनिशियल वैल्यू आती है, न्यूमिनेटर में हमेशा फाइनल वैल्यू आती है। इनिशियल वैल्यू, अगर फाइनल वैल्यू हमें दी गई है, 52 की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 416 दी गई है, तो मतलब 1 पार्ट की वैल्यू कितनी रही होगी, 8। तो 50 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो 50 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। तो आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी अच्छा सा क्वेश्चन है भाई, इसे कई तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, परसेंटेज का क्वेश्चन है। ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल अनेबल ए मैन टू बाय 10 एप्पल मोर फॉर ₹54। द रिड्यूस प्राइस ऑफ एप्पल पर डजन, पर डजन ये जानना चाहता है, इस चीज का ध्यान रखना, पर डजन की ये बात हो रही है। बात समझ में आती है? देखो, इसका जो पहला तरीका है, एक ही तरीके से हम लोग लेके चलते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आपको बताया था कि जो क्वांटिटी होती है वो प्राइस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर प्राइस ज्यादा होगा तो क्वांटिटी हम कम परचेज करेंगे, और प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी ज्यादा परचेज करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा डीपली हम नहीं जा रहे हैं, ये इतना मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ, ये पहली बार नहीं बता रहा हूँ। तो ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस, मतलब अगर ओरिजिनल प्राइस, यहाँ पे बात देखना, ये ओरिजिनल है और ये न्यू है। अगर ओरिजिनल प्राइस 100 था तो न्यू प्राइस कितना रहा होगा, 90, क्योंकि 10% का रिडक्शन लगा, रिड्यूस हुआ है, मतलब कम हुआ है। हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो प्राइस का जो रेशियो है वो कितना हो गया, 10:9 हो गया। कितना हो गया, 10:9।
क्लियर हो गई बात। अगर प्राइस का रेशियो 10:9 है तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, उल्टा, कितना, 9:10। मतलब पहले वो 9 पार्ट परचेज कर रहा था, अब वो 10 पार्ट परचेज कर रहा है। अब क्या कह रहा है कि अब एक आदमी 10 ज्यादा खरीद सकता है। कितने एप्पल ज्यादा खरीद सकता है, 10 एप्पल ज्यादा खरीद सकता है। मतलब आप देखो रेशियो में कितना ज्यादा खरीद पा रहा है, 1 पार्ट, और अगर बात करें एप्पल में तो कितने, 10 एप्पल। मतलब 1 पार्ट की वैल्यू 10 एप्पल है तो 9 पार्ट की वैल्यू 90 होगी और 10 पार्ट की वैल्यू 100 होगी। मतलब पहले वो 90 एप्पल परचेज कर रहा था, अब वो 100 एप्पल परचेज कर रहा है। कितने रुपए में, 54 रुपीज में, 54 रुपीज में। मतलब देखो पहले वो 54 रुपीज में 90 एप्पल परचेज कर रहा था, अब प्राइस कम हो गया तो इतने ही रुपए में अब वो 100 एप्पल परचेज कर रहा है। अब कह रहा है द रिड्यूस्ड प्राइस, रिड्यूस्ड प्राइस मतलब न्यू प्राइस पर डजन, पर डजन, एक डजन में कितने होते हैं, 12। मतलब वो मेरे से 12 एप्पल का प्राइस जानना चाहता है। एक बात बताओ, 100 एप्पल का जो प्राइस है, नया प्राइस, वो कितना है, 54। तो 1 एप्पल का कितना हो जाएगा आप बताओ, 54/100। लेकिन वो मेरे से 1 डजन का जानना चाहता है, मतलब 12 का जानना चाहता है, तो आप दोनों तरफ क्या कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 3। अगर मैं इसे कट करूं तो ये कितना आ जाएगा, 25। मैंने 4 से कट किया। अब अगर आगे देखिए हम लोग तो कट करें तो 25 से अगर इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। भाई 25 से अगर मैं 54 को कट करूं तो 2, फिर आ जाएगा 4 और 2.1 आ जाएगा। तो यहां पे अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा मेरा 6.48, 6.48। क्योंकि देखो 3 × 2 = 6 और 6 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो मुझे ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई, इसमें कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत आपको रही होगी। इसके और भी तरीके हो सकते थे लेकिन अभी मैं उन तरीकों पर नहीं जाना चाह रहा हूं। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन, मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूँ, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% घटती है। यदि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो वर्तमान संख्या क्या होगी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपकी सीटेट में भी आ सकता है, केवीएस पीआरटी में भी आ सकता है। तो इसका सोल्यूशन आप लोग कैसे निकालेंगे, देखो जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो रेगुलर मेरी क्लास अटेंड करते हैं, वो इस क्लास का आंसर बहुत जल्दी से बता देंगे। फर्स्ट मेथड क्या यूज करेंगे कि अगर भाई 10,000 थी 2 साल पहले तो अब 20% पहले साल रिड्यूस हुई, 10,000 का 20% 2,000 होता है तो 2,000 रिड्यूस होके कितनी रह गई, 8,000 रह गई। बात समझ में ही? इसके बाद फिर से 20% का डिक्रीमेंट आया, किसका 20%, 8,000 का 20% कितना होता है, 1600 होता है। 8,000 का 20% 1600 होता है तो 1600 कम हो गया तो कितना रह गया, 6400 रह गई। अब इसकी जो है कितनी रह गई, 6400, तो आंसर क्या होगा, 6400। दूसरा तरीका आप ये कर सकते थे फ्रैक्शन की, भाई 20% का डिक्रीमेंट यहाँ है, 20% का डिक्रीमेंट यहाँ है, मतलब फ्रैक्शन में बात करें तो 1/5 और यहाँ पे भी कितना हुआ, 1/5। तो देखो यहाँ पे भी 5 पे 1 का डिक्रीमेंट लगा तो 4/5 और आगे भी कितना हो जाएगा, 4/5। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आ गया मेरा, 16/25। ऊपर फाइनल वैल्यू, नीचे इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू मेरी कितनी थी, 10,000 थी। कितनी थी, 10,000, तो 25 पार्ट की वैल्यू अगर 10,000 है तो एक पार्ट की वैल्यू 80 रही होगी, और अगर एक पार्ट की वैल्यू 80 है, एक अगर 40 रही होगी, सॉरी कितनी रही होगी, 40। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, अगर 25 पार्ट की वैल्यू है तो 400 रही होगी, सॉरी 10,000 है तो 400 रही होगी, तो 400 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 6400। भाई देखो 25 पार्ट की वैल्यू अगर 10,000 है तो एक पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए आपको 10,000 को 25 से डिवाइड कर देना और कोई और कुछ नहीं करना है, तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। वेरी गुड, आगे चलते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, परसेंटेज से रिलेटेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। पहले आप इसे खुद से सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है आपने। ठीक है, वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करो। क्वेश्चन है कि एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर खर्च का अनुपात 12:17:3 है। इन वस्तुओं के मूल्य क्रम से 20%, 30% तथा 50% बढ़ाए गए हैं, तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, खुद सॉल्व करें। तो भाई एक फैमिली है जो राइस, फिश और ऑयल पे खर्च करती है, किस रेशियो में खर्च कर रही है, वो यहाँ पे गिवन है, 12:17:13। तो रेशियो प्रॉब्लम है ये,
कहीं पे नंबर की बात तो हुई नहीं है, रेशियो में चीजें देखिए, परसेंटेज में आंसर जानना चाहता है तो हम लोग बता सकते हैं। कैसे? हम रेशियो की वैल्यू को ही ओरिजिनल वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं जब हमसे परसेंटेज में आंसर जानना चाहता है। अगर रुपीज में आंसर जानना चाहता है तो यहां पे आंसर होता है कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि रुपीज में यहां पे कुछ भी नहीं दिया गया है। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि पहले जो टोटल खर्चा था, अगर टोटल खर्चे की मैं बात करूं, वो कितना था? राइस पे 12, फीस पे 17 और ऑयल पे 3। तो कुल मिला के जो टोटल खर्चा है वो कितना हो गया? 32 रुपीज। बात समझ में? अब क्या हुआ कि राइस पे इसका जो एक्सपेंडिचर है वो 20% बढ़ गया। 20% किसका? 12 का। फीस पे 30% बढ़ गया। किसका 30%? 17 का। और ऑयल पे 50% बढ़ गया। किसका 50%? ऑयल का। अब अगर आगे बात करें तो 12 का 20% अगर निकाला जाए तो कितना होता है भाई? 2.4। ये तो सिंपल है आपके लिए। 17 का 30% कितना होता है? 5.1। और 3 का 50% मतलब आधा कितना होता है? 1.5। ये टोटल उसका खर्चा बढ़ गया है। हम इसे ऐड कर देते हैं। ऐड करके कितना आ जाएगा भाई ये? अगर मैं यहां पे देखो, 5.1 प्लस 2.4 तो कितना हो गया? 7.5 और प्लस 1.5 तो कितना हो गया? टोटल 9 रुपीज। तो टोटल 9 रुपीज उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया। मतलब पहले 32 रुपीज खर्च हो रहा था, अब उसका 41 रुपीज खर्च होगा एक तरीके से। तो परसेंटेज में टोटल कितना इंक्रीमेंट आया वो कैसे निकालते हैं? कि 9 रुपए का इंक्रीमेंट आया किस पे? 32 पे, इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 4 से कट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 8, 4 से कट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 25। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 225/8% और 225/8% को लिख सकते हैं 281/8%। तो सी ऑप्शन सही आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद आपको क्लियर भी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, द प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे पहली बात तो प्रॉफिट परसेंट आपको पता है हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पे होता है। ये तो आपको पता है कि अगर मैं यहां पे कॉस्ट प्राइस और यहां पे सेलिंग प्राइस लिखूं तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 80% है किसका? सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस को बेस माना गया है, मतलब अगर कोई वस्तु का सेलिंग प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस 80 रहा होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? आप इसे रेशियो में लिखना चाहते हैं, रेशियो में लिख सकते हैं 4:5। अब ये जानना भाई 4:5 कैसा है? 20 से कट कर दिया दोनों तरफ। अब ये जानना चाहता है कि टोटल प्रॉफिट उसे कितना हुआ। तो टोटल प्रॉफिट आप लोग यहां पे देखिए कि भाई 4 रुपए की चीज 5 में बेच दी, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पे? 4 पे। 1 का प्रॉफिट हुआ किस पे? 4 पे, इनटू 100। तो कुल मिला के 25% का प्रॉफिट होगा, 25% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर आप लोग इसे, मतलब क्या आंसर इसका देने वाले हैं। अंकित मूल्य पर 30% डिस्काउंट छूट देने छूट प्राप्त करते हुए अरविंद ने एक कलाई घड़ी खरीदी। क्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए उसने घड़ी को बेच दिया। अंकित मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? अरविंद परचेज ए रिस्ट वॉच विथ 30% डिस्काउंट ऑन द लेबल्ड प्राइस। तो जो लेबल्ड प्राइस है इसका सॉल्यूशन देखना, लेबल्ड प्राइस को बेस माना गया। तो लेबल्ड प्राइस जो एलपी मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर ये 100 है तो अरविंद ने कितने में परचेज की? तो अरविंद का जो परचेज प्राइस है, या अरविंद के लिए हिसाब परचेज प्राइस को कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हो, इससे 30% कम पे खरीदी। 30% डिस्काउंट का मतलब 30% कम, और 100 का 30% कितना होता है? 30 होता है। तो अरविंद ने ये जो घड़ी है कितने में खरीदी थी? 70 में खरीदी थी। ही सोल्ड इट एट विद 40% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही बोट। जितने में उसने खरीदी उससे 40% ज्यादा के प्रॉफिट पे बेच दिया। मतलब 70 का 40% कितना होता है? 28। तो 28 के प्रॉफिट पे बेच दिया, मतलब 98 पे बेच दिया। लेवल प्राइस 100 था, फाइनली कितने में बेचा गया? 98 में। What was his percent loss on the labeled price? अगर labeled price से देखा जाए तो इसे कितना loss हुआ? मतलब 100 रुपए इसका labeled price था, 100 रुपए इसका labeled price था, और final जो price बचा है वो 98 बचा है, तो कितने का loss हुआ है? 2 का। किस पे? 100 पे। तो सीधा percentage ही लिख देते हैं जब 100 की बात आती है। तो 2% का इसे क्या हो रहा है? Loss हो रहा है। Clear है? Simple था। Next। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, और बहुत सिंपल है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 15 मंथ्स एट 7.5% पर एनम एक्सीड्स
ये ध्यान से हिंदी में भी पढ़ लेना, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, सेम सम कहा गया है, फॉर 8 मंथ्स एट 12.5% पर एनम बाय रुपी 32.50, देन द सम ऑफ मनी इन रुपीज। तो कितना सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे इसने कहा है कि सेम सम है। सेम सम मतलब सेम प्रिंसिपल, सम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। सेम प्रिंसिपल होने का मतलब है कि दोनों ही स्कीम के लिए बेस सेम है। बेस सेम होने का मतलब है कि परसेंटेज को डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें पहली स्कीम के लिए, पहली स्कीम वन और स्कीम टू, अगर पहली स्कीम के लिए प्रिंसिपल 100 है तो दूसरी स्कीम के लिए भी प्रिंसिपल 100 ही रहा होगा या नहीं रहा होगा, क्लियर है आपको। अब अगर आगे देखें, पहली स्कीम में अगर टाइम की बात करें तो 15 मंथ्स है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, तो इसीलिए इसे ईयर में चेंज करेंगे डिवाइड बाय 12 करके। दूसरी स्कीम के लिए टाइम जो है वो 8 मंथ्स है, लेकिन डिवाइड बाय 12 करके इसे ईयर्स में चेंज करेंगे। क्लियर हो गई बात। अब अगर आगे बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो पहली स्कीम के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 7/1/2, 7/1/2 मतलब 15/2% है, और अगर दूसरी स्कीम के लिए बात करें तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12.5% मतलब 25/2% है। इतनी बात क्लियर, इतनी बात समझ में आती है नहीं आती है, क्लियर है। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया है तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल में पता होना चाहिए। तो देखो हमें पता है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में क्या होगा, ये होगा आर इंटू टी परसेंट। क्या होगा, आर इंटू टी परसेंट होगा या नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे 15/2 इंटू 15/12, ये टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 225/24% किसमें, परसेंटेज में। इसी तरीके से दूसरी स्कीम में भी सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, टी इन टू आर। भाई एक बात बताओ, हम लोग क्या कहते थे कि अगर 10% है 3 साल के लिए तो टोटल 30% हो जाता था या नहीं हो जाता था, है कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 25 200/24% आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया गया है रुपीज में, तो परसेंटेज में भी इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस परसेंटेज में आ जाएगा 25/24%, जो कि रुपीज में कितना है, 32.50। तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 32.50 × 24/25। अब आपको चाहिए प्रिंसिपल, जो कि आप 100% एज्यूम करके चले हैं, तो दोनों तरफ 100 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर मैं इसे कट करूं तो ये वन टाइम गया, बचा कितना 75, तो 3 टाइम गया, तो ये आपका आ जाएगा 1.3, और 1.3 अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 130 × 24। कितना आ जाएगा, 130 × 24, तो 312 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आप लोग एक बार देख लेना, ये 312 ही शायद इसका आंसर होगा। 13 × 52 और ये हो जाएगा हमारा 26, हाँ 312 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात आपको, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का है, डिफरेंस का क्वेश्चन, और बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं। क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनम इज ₹1, द सम इन रुपीज। तो देखो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, पहली बात, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सिंपलेस्ट तरीका, मैंने फॉर्मूला भी बताया हुआ है, लेकिन मैंने और सिंपल वे में भी चीजों को आपके लिए बताया हुआ है कि अगर प्रिंसिपल 100 है, अगर प्रिंसिपल 100 है, मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने दिया हुआ है 4% है, कितना है 4%, और टाइम इसने दिया है 2 ईयर्स है, और डिफरेंस इसने दिया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ₹1। तो अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों को याद हो क्या, कि मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट है 4% 2 ईयर्स के लिए, तो कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी क्लासेस में, तो 8.16 हो जाएगा अगर 4% पर एनम है, तो 2 साल के लिए अगर बात करें, तो दोनों का जो डिफरेंस है अगर मैं बात करूं तो 0.16% है परसेंट में, लेकिन रुपीज में कितना है 1, तो 16, अगर देखें मैं यहां पे देखूं, पॉइंट हटा देता हूं, यहां पे
जीरो बढ़ा देता हूं, तो 16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/16, प्रिंसिपल आप एज्यूम करके चले थे 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 से मल्टीप्लाई, तो आप देख रहे हो 4 से कट करो ये 25 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर ये 25 हो जाएगा, और 25 गुना 25 कितना हो जाएगा, 625, ये सही आंसर है। क्लियर, तो सिंपल क्वेश्चन था, और भी बहुत सारे तरीके लेकिन ये सबसे सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आप देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए हैं जहां पे टाइम आपका थोड़ा सा उठपटंग टाइप का आ जाए। कह रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 6000, अगर बात करें 6000 क्या है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है ये दिया गया है, टाइम हमें दिया गया है 1.5 ईयर, दिया गया है कि नहीं, और अगर बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो दिया गया 10% पर एनम। तो अब आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जानना चाहते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था ट्री मेथड, 6000 है, 10% पहले साल के लिए लगेगा, तो 6000 10% मतलब 1/10 कितना लगेगा, 600। अगर दूसरा साल पूरा होता, यहां पे तो 2 और आधा साल है ना, तो आधे साल को मैं पूरा साल मान लेता, तो पूरा साल दूसरे साल पहले 6000 पे 1/10 लगता, मतलब जो 600 लगता, और इस 600 पे भी 1/10 लगता जो कि 60 लगता। अगर दूसरा साल पूरा होता तो इतना पैसा हमें दूसरे साल मिलता, लेकिन दूसरा साल पूरा नहीं हो पाया, कितना हो पाया, आधा हो पाया, तो 600 अगर पूरे साल में मिलता तो आधे में 300 मिलेगा, और यहाँ पे 60 अगर यहाँ पूरे साल पे मिलेगा तो आधे में 30 मिलेगा, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 600 + 300 + 30 हो जाएगा, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, 930 रुपए, कितना हो जाएगा, 930 रुपए, ये हमारा सही आंसर है। क्लियर है बात आपको, चलिए आगे चलते हैं। अब अगर यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, तो कह रहा है आप लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, चक्रवृद्धि ब्याज पर उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर क्रम से 4% तथा 5% है, तो ज्ञात करो कि 2 वर्षों का मिश्र धन आपसे अमाउंट पूछा है, मतलब मिश्र धन पूछा है कितना होगा, यदि मूलधन 25,000 है तो मूलधन 25,000 है, मतलब प्रिंसिपल हमारा 25,000 है, पहले साल की अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होती है, तो 25,000 का 1/25 जो होता है वो 1,000 होता है, मतलब पहले साल 1,000 रुपए मिलेगा। दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो 5% है, कितना है, 5%, 5% का मतलब 1/20 होता है, 1/20 होता है, तो 25,000 का 1/20 कितना मिलेगा, 1250, और 1,000 का भी 1/20, तो कितना हो जाएगा, 50, तो टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, 1000 + 1250 + 50, तो कितना हो जाएगा, ये 2300, कितना हुआ, 2300। अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अमाउंट प्रिंसिपल हमारा 25,000 है और इंटरेस्ट हमारा 2300 है, ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 27,300, ये हमारा अमाउंट है। क्लियर, चलिए गुड। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि कुछ ही क्वेश्चन मैंने कराए हैं लेकिन आपको बहुत पसंद आए होंगे, काफी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन थे, और कल से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ज्योमेट्री स्टार्ट करूँ या नेक्स्ट वीक से ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, तो तैयार हो जाइए, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे और एक एक पॉइंट पर हम लोग नजर रखेंगे, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिए हमेशा, ठीक है, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुसीबत की घड़ी जल्दी ही निकल जाएगी, थैंक यू सो मच।